हेलो स्टूडेंट्स, अब जो क्लासेस शुरू हो रही हैं वो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप जो है ये व्रत है, SI का एग्ज़ाम हो, TGT का एग्ज़ाम हो, PGT का एग्ज़ाम हो, GTI का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे बोलते हैं सर्किल। और सर्किल में जो है आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपकी कभी भी जो समस्या नहीं होगी भविष्य में, वो उम्मीद है अब नहीं रहेगी, ठीक है। भूत भविष्य में जो भी समस्या रहेंगी, जैसे कि दे रखा है चित्र में, वृत्त का केंद्र है ओ है, वृत्त की त्रिज्या 17 है, यदि ओ से 8 है तो किसकी याद करो, जीवा। सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो वृत्त की थोड़ी सी जानकारी दे, ज्यादा नहीं। ये जो है केंद्र होता है और जो ओर पास जो इस तरीके से जाने किसी लिए उसके लिए बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। और ये क्या होता है? केंद्र। ये केंद्र हो गया और ये क्या होगी? इसकी परिधि, ठीक है। कई जगह इसको परिमाप भी बोल देता है। परिधि का मतलब आपको ये भी कह सकते हैं कि क्या है परिमाप, वृत्त का क्या है परिमाप। अब जो केंद्र से इस परिधि को मिलता है वो सभी क्या कहलाते हैं? त्रिज्या। क्या कहलाते हैं? त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस तरह से ये त्रिज्या पूरी इस तरीके से हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास। उम्मीद है इतना तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। अच्छा, ये त्रिज्या है तो केंद्र से जो अलग हटके अगर रेखा जाती है, केंद्र से अलग हटके रेखा जाती है, वो सभी क्या होती है? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। ठीक है, तो आपको एक सूत्र होता है, क्रमें होती है, वो क्या होती है कि कोई यदि व्रत है उसके केंद्र से, इससे केंद्र से, और ये क्या है? जीवा। इससे कोई लंब डाला जाए, क्या डाला जाए? लंब। तो ये जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। अगर मान लो ये भी है, ए भी 10 है, कितनी है? 10। और आपसे पूछी जाए ये कितनी होगी, तो ये 5 होगी और ये कितनी होगी? 5। क्या आप बस होंगे? और केंद्र से जीवा में डाला गया जो समद्विभाजित करता है, और साथ साथ में आपको और बता दें, इसमें जो कोण बनता है, शरीर की मतलब त्रिभुज बनता है, वो हमेशा किसका बनता है? 90 का। जैसे कि 17 है तो 90 के सामने के लिए क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। अब ये क्या हो गया? आधार। आधार से मान विद्यमान कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये आपको ध्यान, इस पूरे फॉर्मूले में इसी को लगाना होता है, यानी इस तरीके के सवाल हो तो यही लगाना होता है। जैसे ये दे रखा है वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो सवाल को आप देखेंगे ये केंद्र है और ये हाथ से ये इस तरीके से ऐसे चित्र बना लो चुपचाप, क्योंकि किसकी पूछ रहा है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी ओ है, ये ए है, ये बी है, सी है, इसी तरीके से सवाल हो गया। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है? जीवा कितनी है? 16। ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो इसे चुपचाप कर लो 8। क्या कर लो? 8। समझ आ रहा है? जीवा यहाँ से यहाँ तक 8 दे रखी है, 16 दे रखी है, तो ये कितनी रही? 8। आगे बोलो, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर तथा केंद्र से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 6। किसकी केंद्र से बता रहे? जीवा 16 है तथा यह मतलब हो गया जीवा, यह मतलब क्या हो गया? जीवा केंद्र से, यानी केंद्र से कितनी दूर है? 6। बोले बोले किसी वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, ओके। लेकिन वो आगे बोल क्या रहा है? तथा यह केंद्र से, कौन यह है? यह का मतलब क्या हो गया? यह का मतलब हो गया जीवा। क्या हो गया? जीवा। तथा यह है, यह मतलब जीवा, जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, 6 हो गए। पूछ कह रहा है ये, अच्छा कुछ चीजें आपको रिलेशन में पता होना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 8, 10, जैसे 3, 3, 9, 4, 4, 5, 25, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 100। तो ये ओ एक आ जाए, 10 आ जाएगा, ऐसे 17 और 8 का भी होता है। अगर आप 17 का करो कितना आ जाएगा? 289 और 8 का कितना आ जाएगा? 64, 225, 15 का हो जाएगा 5, 2, ठीक है, तो ये कितना है? 15। तो आप कुछ रिलेशन को इस तरीके से थोड़ा, अगर भाई तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, हल्की फुल्की ज़्यादा याद नहीं करो तो यह कितना हो जाता है? 8, 15 और 17। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन दे रखी हो, जैसे इसमें दे रखा है 6 और 8 तो ये कितना हुआ? 10। यहाँ दे रखा है 17 और 8 तो ये कितना होगा? 15 हो गया होगा, यानी इस तरह। और अगर मान लो दे रखा होगा 3 और 4 तो कितना हो जाता है? 5। समझ में आ रहा है?
कुछ रिलेशन हमें याद करने पड़ते हैं, जैसे कर्ण का उत्तर हो गया 17 का वर्ग, ठीक है। लंब कितना है 8 और आधा कितना है AC, कितना है AC, और 17 का उत्तर हो गया 289, 64 इधर आ जाते हैं, ये हो गया 225। 225 किसका होता है, 15 का। भाई साहब कुछ कह रहा है वो देखो, आपसे पूछ रहा है AB, क्या पूछ रहा है AB और आया है AC, अगर ये 15 है 15 ये भी होगा, तो ए भी कितना जाएगा, ए भी आ जाएगा 2 × 15 = 15 × 2 = 30। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी आप ये भी घटके में क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ये पूछ रहा है त्रिज्या की गणना कीजिए, अगर ये 8 है देखो 16 जीवा पूरा कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव करना है सब्जेक्टिव नहीं करना है। सब्जेक्टिव में अगर मतलब ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा करो तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका, समय बचाना है ना, समय बचाना है तो क्वेश्चन के। और सीधी सीधी बात है, गणित का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सवाल को पढ़िए और टिक मार दीजिए, ठीक है। और जरूरी नहीं है कोई चीज़ को आप एक ही बार में सीख गए कि हो जाएगा, गणित क्या होता है हर वक्त सीखने का विषय है। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो ये मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, हम भी अभी इसको सीख रहे हैं, ठीक है। और जब तक किसी सब्जेक्ट को आप सीखने की चाह रखेंगे तब तक वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, और आपको ये लग गया हम इसके गुरु हो गए या हम बताता है तो आपका विनाश शुरू हो गया। ये मान लो गणित अभी हमने सीखना शुरू किया, गणित का ABC भी शुरू हुआ है, 1 2 3 शुरू हुआ है, अभी तो 0 से लेके 9 तक भी नहीं सीखे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जेब में मतलब जो है अपने आप को रोज पढ़ोगे इंक्रीज करोगे तो कुछ ना कुछ आपका डेवलप होगा। अब इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये समझ में आ गई, अब जैसे ये दे रखा है जीवा कितनी है 16, तो AC कितनी होगी 8। अच्छा यह मतलब जीवा से कितनी दूर है 6, तो आप ध्यान रखें कर्ण आपको निकालना है, लंब दे रखा है आपको 6 और आधा कितना दे रखा है 8, तो 8 6 किसका संबंध रहेगा 10 का, 10 होगा, क्लियर है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है वो आपके, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, कितनी हो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, उसके केंद्र से किसी दीवार पर खींचा गया लंब 6 हो, त्रिज्या 10 है और लंब कितना है 6 हो, तो बोल रहा है जीवा की लंबाई याद कीजिए, वही कर लो। अच्छा ये 10 है और ये 6 है, 10 6 वाले में लगे तो ये कौन हो गया 8, तो ये भी कितना हुआ 8, जीवा की लंबाई कितनी है 16। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या कितना जबरदस्त दे रखा है, वो कह रहा है 10 है और उसी कितनी दे रखी है 6, ये सवाल है, तो बोला ये भी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए ए कर लेंगे ना, फिर से सुनिए ये तो आपको रिलेशन पता ही चल जाएगा, ये दे रहा है, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 6, तो कह रहा है ए भी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए ए, तो भाई साहब 10 8 6 तो आपको 10 दे रखा है 6 दे रखा है, तो कौन बचा ये 8, तो ये भी कितना होगा 8, तो ये भी कितना है 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है वृत्त की जीवा की माप 8 है, अगला क्वेश्चन कहता है जीवा की माप 8 है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, भाई साहब ये नहीं दे रखा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, वही वाली बात है कि आपसे क्या कह रहा है, सुनिए फिर से दिमाग को लगाइए, दिमाग कितना जबरदस्त, जीवा कितनी है 8, तो जी कितनी दे देगी 4, कितनी दे 4, और हम वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5, समझ में आ गया। अब भाई साहब ये 5 है, हमारा तो संबंध ये होता है 3 4 5, ये 5 है ये 4 है, कितना जाती है, समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको हम और भी क्वेश्चन कराएंगे और इस एक दिन में एक टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। आज आपका जो फिनिश हुआ है वो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संदोहित करता है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, या केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक एक टॉपिक आपको रोज मिलता रहेगा और आपकी
जो है लगभग अगर ब्रेथ देखा जाए पूरा हाई स्कूल इंटर वगैरह सब चीज़ का सबमिट कराया जाए लगभग 8 दिन में आपका ब्रेथ पूरा खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट्स लिखें और उसमें आप हमारे हौसला अफजाई करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।